If you have your Bibles with you, turn your Bible to Matthew chapter 11. यदि आपके पास बाइबल है तो आप मैथ्यू मत्ती की अध्याय 11वां अध्याय खोलें. Matthew chapter 11. मत्ती पुस्तक के 11वां अध्याय. Verse 28. और उसमें 28 नंबर का वचन. Matthew chapter 11 verse 28. मत्ती 11वां अध्याय 28 नंबर का वचन. Matthew chapter 11 verse 28. मत्ती 11वां अध्याय 28 नंबर का वचन. Come to me all who labor and are heavy laden and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. See, tomorrow is a Christmas. देखो कल जो है क्रिसमस है. And whole world is going to celebrate the Christmas. और पूरी दुनिया जो है क्रिसमस मनाने वाली है. Christmas is all about the birth of Christ. और क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म के बारे में है. That 2000 years ago Jesus Christ born in this world. और 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में जन्मे. Through a virgin birth, it is a miracle. और एक चमत्कार रूप से, अद्भुत रूप से उन्होंने जन्म लिया. And he lived in this earth for 33 years. और 33 साल उन्होंने इस दुनिया में जिए. While he was on this earth, और जब वो इस दुनिया में थे, he was 100% God and 100% human. वो 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे. It is like God incarnated into a man. मानो ये जो है मनुष्य के रूप में जो है परमेश्वर ने जो है मनुष्य का रूप लेके दुनिया में. One of the amazing thing which ever happened in the history. और जो कि इतिहास का सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है, दैट गॉड बिकम मैन, कि परमेश्वर मनुष्य बने. आई हैव इन नाउ चर्च आई हैव शेयर्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट द पर्पस ऑफ इनकार्नेशन. और मैंने जो है अवतार लेने के बारे में कई सारी बातें जो है कलीसिया में सिखाई हैं. सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. तो आज मैं वो नहीं करने वाला हूँ. बट आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ. लेकिन मैं आज कुछ ऐसा करूंगा जो आपके जीवन के लिए आशीष बने. Some people ask whether Jesus really born on December 25th. कुछ लोगों ने पूछा क्या यीशु मसीह सच में 25 दिसंबर को जन्मे? I don't know and I don't care. ना तो मुझे पता है और ना मुझे इसकी परवाह है. You know, whether he born on 25 or 26, I don't care. All I know is he was born. I am sure about that. मुझे पता नहीं वो 25 में जन्मे या 26 में जन्मे, ना तो मुझे इस बात की कोई परवाह है. मुझे बस एक बात पता है कि वो इस दुनिया में जन्मे थे, बस. And he was born in this world. वो इस दुनिया में जन्मे. To give you so many things in your life. आपके जीवन में बहुत सी बातों को, चीजों को देने के लिए. But today I'm going to take one piece. You know what he wants to give it to you. You know I'm going to share with you. लेकिन आज उन सारी चीजों में से मैं एक चीज लूंगा और उस चीज के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा. One of the thing which God really interested to give to us is rest. और एक चीज जो परमेश्वर तुम्हें बहुत देने में रुचि रखता है वो है विश्राम. Everybody say rest. सभी लोग कहें विश्राम. तमिल में इलय पारदल அப்படிங்கறாங்க. तमिल में जो है उसे इलय पारदल कहते हैं. It's rest. वो मतलब होता है विश्राम. From the beginning God wants to give man rest. शुरू से ही परमेश्वर मानव जाति को विश्राम देना चाहता था. पीपल टॉक अबाउट सो मेनी प्रॉमिसेस बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस व्हिच गॉड वांट्स टू गिव इट टू यू इज रेस्ट. और लोग कई सारी प्रतिज्ञाओं के बारे में बातें करते हैं लेकिन सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है विश्राम. गॉड विल गिव यू दिस, गॉड विल गिव यू दैट, बट आई वांट टू टेल यू गॉड वांट्स टू गिव यू रेस्ट फर्स्ट. परमेश्वर तुम्हें ये देगा, परमेश्वर तुम्हें वो देगा, ये देगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले परमेश्वर तुम्हें विश्राम देना चाहता है. I want to tell you today, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, rest is the foundation for our life. विश्राम हमारी जीवन का बुनियाद है. Everybody think about this. Rest is the foundation. और सभी लोग सोचे कि विश्राम हमारी बुनियाद है, नींव है. Without rest, you cannot be successful in anything. और बिना विश्राम के आप किसी कार्य में जो है कामयाब नहीं हो सकते. Without rest, your marriage will not work. बिना विश्राम के आपका विवाह काम नहीं करेगा. Without rest, your business will not succeed. और बिना विश्राम के आपका बिजनेस, व्यवसाय जो है कामयाब नहीं होगा. Without rest, you know, your ministry, your health cannot succeed. और बिना विश्राम के आपकी सेवकाई जो है कामयाबी नहीं देख सकती. So rest is the foundation. तो विश्राम बुनियाद की चीज़ है. Everybody say rest is the foundation for my life. सभी लोग कहें विश्राम मेरे जीवन की बुनियादी चीज़ है. When I say rest, तो जब आप विश्राम कहते हो, I'm not talking about being lazy and sleeping all the time. तो
इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा जो है सुस्तर जैसे पड़े रहो बिस्तर पे. You can sleep all day and still feel tired. आप पूरा दिन सोकर देख लो, आखिर में आपको थकान महसूस. There are people sleeping for more than 15 hours and still feel tired. ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 15 घंटे से ज्यादा सोते हैं फिर भी वो थकान महसूस करते हैं. I'm not talking about that kind of rest. तो मैं उस प्रकार के जो है विश्राम के बारे में नहीं कह रहा हूँ. Like going somewhere for vacation, sleeping, you know, I'm not talking about that kind of rest. मैं ऐसे विश्राम के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि कहीं छुट्टियों पे गए और आराम फरमाए. मैं उस विश्राम के बारे में नहीं कह रहा हूँ. When Bible talks about rest, जब बाइबल विश्राम के बारे में कहती है, that means it's talking about life without worries. इसका मतलब वो कहता है जीवन बिना किसी चिंता के. One more time I'm telling you. फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ. When Bible talks about rest, जब बाइबल विश्राम के बारे में कहती है, meaning life without worries, यानी कि जो है आपका जीवन बिना किसी चिंता के, चिंता रहित जीवन, life without stress, बिना कोई जो तनाव का एक जिंदगी, life without toil, और जिंदगी बिना मेहनत की. Hard work is good, but toil is no good. और देखो कड़ी जो मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन कड़ी मेहनत करते रहना वो ठीक नहीं. Life without frustrations. और जीवन बिना जो है कोई चिड़चिड़ाहट के. If you are frustrated in your life, that means you don't have rest in your life. यदि आप अपनी जिंदगी से चिड़चिड़ा गए हो, इसका मतलब आपके जीवन में जो है विश्राम नहीं है. So when I say rest, तो जब मैं विश्राम कहता हूँ, it means life without worries. इसका मतलब होता है बिना चिंता रहित एक जिंदगी. How many of you understand? कितने लोगों को समझ आया? Still you are thinking rest means sleeping in the bed? अभी भी आपको लगता है विश्राम मतलब जो है बेड पे सोते रहना? I want to tell you this. मैं आपसे कहना चाहता हूँ. Rest means life without worries. मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्राम मतलब चिंता रहित जिंदगी. Because as long as you are worrying, you don't have rest in your life. क्योंकि जब तक आप चिंता करते रहोगे आपकी जिंदगी में विश्राम नहीं होगा. Life without stress. और बिना क्यों जो तनाव की जिंदगी. Life without frustration. जिंदगी बिना कोई चिड़चिड़ाहट के. Life without toil. बिना कोई कड़ी मेहनत के. You know that is what rest. उसी को विश्राम कहते हैं. So once again I'll tell you this. तो फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ. In the Bible. बाइबल में. The first book of Genesis. और उत्पत्ति की पहली किताब. And in the first chapter. और पहले अध्याय में. Talks about the rest. वो विश्राम के बारे में बात. God created everything. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया. And in the seventh day he created. You know on the final day he created man. और उन्होंने जो है आखिर में मनुष्य को बनाया. And he rested. उसके बाद उन्होंने आराम फरमाया. It is like a seventh day. मानो सातवां दिन था. They call it Sabbath. वो उनको जो है सब्त का दिन कहते हैं. So there are people started a church based on that seventh day. और कुछ लोगों ने जो है इस सातवें दिन के आधार पर जो है कलीसिया जो है आराधना रखते हैं. So they want to have a worship on Saturdays. और वो जो है शनिवार के दिन जो है आराधना रखते हैं. You have to understand this. आपको समझना है. Sabbath, the rest is nothing to do with any day. और जो है विश्राम जो है किसी दिन से लेना देना नहीं होता है. यदि और नाले नहीं हो वंदे Sabbath day सोल रहे नाले उंगली के rest वंदे रहते. और कोई एक दिन को आप सप्त का दिन कहने की वजह से विश्राम आ जाएगा ऐसा नहीं है. No, rest is not a day. देखो विश्राम कोई दिन नहीं है. Rest is the presence of God which gives to you. और परमेश्वर का उपस्थिति देने वाला कोई चीज होता है उसी को विश्राम कहते हैं. You understand what I'm saying? मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है? So for God it was seventh day. तो परमेश्वर के लिए ये सातवां दिन है. But for man it was the first day. लेकिन मनुष्य के लिए पहला दिन है. The first day is a rest for man. पहला दिन ही परमेश्वर मनुष्य के लिए विश्राम दिन था. Man begins his life with rest. पर मनुष्य ने अपना जीवन जो है विश्राम से शुरू किया. You understand? समझ आ रहा है? That is why I'm telling you, rest is the foundation for your life. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विश्राम आपके जीवन का बुनियाद है. Without rest, बिना विश्राम के, your marriage will not work. आपका विवाह काम नहीं करेगा. Without rest, बिना विश्राम के, we cannot progress in anything. हम किसी चीज में उन्नति नहीं करेंगे. Whether it is business, ministry, whatever, you know, without rest, it will not work. वो चाहे सेवकाई होने दो, चाहे व्यवसाय होने दो, चाहे कुछ भी हो, वो काम नहीं करेगा. The first thing you should focus in order to bring into your life is rest. पहली चीज जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो है विश्राम. As long as you are worrying, you know, as long as we are worrying, we are not in rest. जब तक आप चिंता करते रहोगे आप विश्राम में नहीं रहोगे. If you read Luke chapter 10, यदि आप लूका दसवां अध्याय पढ़ोगे and around verse 35,
और 35वें वचन के करीब यू विल सी दैट यू नो मार्था मेरी स्टोरी. आप वहां पर मार्था मरियम की कहानी को देखोगे. एंड बाइबल टॉक्स अबाउट मार्था. और बाइबल मार्था के बारे में कहता है. जीसस सेइंग अबाउट मार्था. और यीशु जो मार्था के बारे में कहते हैं. सेइंग मार्था मार्था. वो कहते हैं हे मार्था मार्था. यू आर वरीड एंड ट्रबल्ड अबाउट मेनी थिंग्स. तुम बहुत सी बातों की चिंता करती हो. यू आर वरीड. आप चिंता करते हो. ट्रबल्ड. आप बहुत विचलित हो. अबाउट मेनी थिंग्स. बहुत सी बातों को लेकर. बट ओनली वन थिंग इज नीडफुल. लेकिन एक ही बात की आवश्यकता है. ओ माय गॉड इफ यू ओनली रीड दिस वर्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल चेंज. देखो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये वचन आप अपनी जिंदगी को बना ले या जिंदगी भर पढ़ते रहे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी. मार्था मार्था नी अनेक कार्यंगले कुरीतु कवलेपट्टु कलंगुगिराय தேவையானது ஒன்றே. हे मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है लेकिन एक ही बात आवश्यक है. இந்த ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாணால் முழுக படிச்சிட்டே இருந்தீங்கனாலே வாழ்க்கை உருப்பட்டுறோம். ये एक वचन भी मात्र आप जिंदगी भर पढ़ते रहोगे ना आपकी जिंदगी सवर जाएगी. दिस ओनली वन वर्स. वो एक ही वचन. इफ यू कीप ऑन रीडिंग एंड मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्स योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म. बस ये वचन आप पढ़ते रहो और उसके ऊपर मनन करते रहो आपका जीवन बदल जाएगा. इफ यू वरीड यू विल बी ट्रबल्ड ऑल्सो. यदि आप चिंता करोगे तो आप विचलित भी रहोगे. As long as you are thinking about many things, you will be worried and troubled. जब तक आप बहुत सी बातों की चिंता करते रहोगे आप बहुत परेशान भी रहोगे. First of all, I want to tell you, my brothers and sisters. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों. Please listen to me. कृपा करके मुझे सुनो. My message is very simple and practical. मेरा संदेश बहुत ही सरल और बहुत ही जो है व्यवहारिक है. Do you want to have rest in your life? क्या आप अपने जीवन में विश्राम चाहते हो? From the beginning of the sermon, I'll come to the direct point. और मैं शुरू के साथ संदेश के शुरुआत से ही सीधे सीधे इसी पॉइंट पर आया. As long as you're thinking about so many things, you'll not have rest. आप जब तक बहुत सी बातों के बारे में सोचते रहोगे आपके जीवन में आपको विश्राम नहीं मिलेगा. But if you want to have rest in your life. लेकिन यदि आप अपने जीवन में विश्राम चाहते हो. Bible tells us looking unto Jesus who is the author and the finisher of your faith. उस यीशु की तरफ देखो जो तुम्हारे विश्वास का कर्ता धर्ता है. அவரே பார்த்து கொண்டே இருங்க. இயேசு கி ஓர் ஹி देखते रहो. விசுவாசத்தை தொடக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமா இருக்கிற இயேசுவையே நோக்கி பார்த்து கொண்டிருங்க. तुम्हारे विश्वास का कर्ता धर्ता जो यीशु है बस उसी यीशु की तरफ देखते रहो. பல காரியங்களை மனசுல போட்டு என்ன செய்யணும்னு யோசிச்சிட்டு இருந்தா மனசுல இளைப்பாறுதல் வராது. बहुत सी बातों को लेकर अपने मन में आप सोचते रहोगे तो विश्राम नहीं आएगा. உங்களுக்கு கவலைப்படுறது நிறைய காரியம் இருக்கலாம். हो सकता है बहुत सी बातें हो आपको चिंता करने की. You may think you have many things to worry about. आप सोचते होंगे कि कई सारी बातें हैं चिंता करने की. By worrying, 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 you are going to make your life pathetic. आप चिंता करके 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 आप अपने जीवन को बहुत ही जो है दर्दनाक बना दोगे. If you have so many problems in your life, यदि आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, here is the solution. यहाँ पर है उसका समाधान. Looking unto Jesus, who is the author and the finisher of your faith. उस यीशु की तरफ देखो जो तुम्हारे विश्वास का आरंभ करता है. Pastor, you don't know how much problem I have. पास्टर आपको पता नहीं मुझे कितनी सारी समस्याएं हैं. My life is full of problems. मेरी जिंदगी पूरी समस्याओं से भरी हुई है. You don't know what doctor report came in my life. आपको नहीं पता डॉक्टर का रिपोर्ट क्या है मेरे लिए. You don't understand how much financial problem we are in. आपको नहीं पता हम पैसों की कैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं. It doesn't matter how great is your problem. कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना. But the solution is looking unto Jesus, who's the author and the finisher of your faith. का समाधान बस एक ही एक जन के पास है, वो यीशु के पास जो तुम्हारे विश्वास का कर्ता धर्ता है. Hallelujah. Hallelujah. You see, Bible talks about Martha. देखो बाइबल जो है मार्था के बारे में कहती है. Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. हे मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है. But only one thing is needful. लेकिन एक ही एक बात की आवश्यकता है. Mary has chosen that.
और उस बात को मरियम ने चुन लिया है. What Mary was doing? और मरियम क्या कर रही थी? She was sitting at the feet of Jesus and listening to him. और वो यीशु की चरणों में बैठकर उनकी सुन रही थी. That is the only thing we need in our life. हमको बस वही एक ही चीज चाहिए जीवन. For past few years, my message is around the presence of God. और पिछले कुछ सालों से मेरा संदेश उन यीशु के चरणों में बैठने के बारे में है. For past few years, I'm only keep on quoting two scriptures. और पिछले कुछ सालों से मैं बस यही जो है वचन से लेकर बता रहा हूं. ரெண்டே ரெண்டு வசனத்தை தான் பல வருஷமா பேசி நிக்கிறேன். और ये दो ही वचन कई सालों से मैं बता रहा हूं. Be still and know that I am God. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं. நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். तुम चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं. Mary was sitting at the feet of Jesus. मरियम यीशु की चरणों में बैठी हुई. You know, this is the two scripture, you know, I'm preaching again and again. और देखो ये दो वचन जो है मैं बार-बार प्रचार कर रहा हूं. Because this was the two scripture I'm keep on meditating upon. क्योंकि ये दो वचन है जो मैं उस पर लगातार ध्यान कर रहा हूं. As long as you are worrying, you don't have rest. जब तक आप चिंता करते रहोगे आपको विश्राम नहीं मिलेगा. You are keep on thinking about so many things in your life. आप अपने जीवन में बहुत सी बातों के बारे में सोचते हो. You may have so many problems. हो सकता है आपको बहुत सी समस्याएं हो. But here is the solution. और लेकिन उसका समाधान यहाँ है. Looking into Jesus. यीशु की ओर देखो. Just listening to him, sitting at his presence. और उनकी सुनते हुए उनके चरणों में बैठने के द्वारा. Stop worrying. चिंता करना रोक दो. Sit in his presence. उनकी उपस्थिति में बैठो. Be in silence. शांत हो जाओ. And listen to him. और उनकी सुनो. Look unto him. उनकी ओर देखो. Only there you will get a rest. सिर्फ वही आपको जो है विश्राम मिलेगा. Only presence of God can give you rest. केवल परमेश्वर की उपस्थिति ही आपको विश्राम दे सकती है. Moses, you know, was asking God. मूसा जो है परमेश्वर से पूछ रहे थे. Who will go before me? मेरे आगे कौन जाएगा? And this is what the Lord replied in Exodus chapter 3 verse 14. और निर्गमन के तीसरे अध्याय के 14वें वचन में परमेश्वर ने इसे उत्तर दिया. Another beautiful verse. और एक सुंदर सा वचन. Exodus chapter 33 verse 14. और निर्गमन 33वें अध्याय के 14 नंबर के वचन में. This is what the Lord is saying in that verse. और ये बात जो है परमेश्वर उस वचन में कह रहे थे. And Bible tells us. और बाइबल हमसे कहती है. The Lord replied to Moses. परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया. My presence shall go before thee and I will give you rest. मेरी उपस्थिति तेरे आगे आगे जाएगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा. என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன். மேரி உபஸ்தி तेरे आगे आगे चलेगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा. हालेलुया. हालेलुया. See such a wonderful verse. देखो कितना अद्भुत वचन. God's presence can give you rest. परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हें विश्राम देगा. You want rest in your life? क्या आप अपने जीवन में विश्राम चाहते हो? Learn to practice his presence in your life. उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करना सीखो. Learn to be silent in his presence. और उनकी उपस्थिति में शांत रहना सीखो. I'm telling you. मैं आपसे कहना चाहता हूं. You know, a lot of people in churches, they talk about, you know, sitting at the feet of Jesus. Every church talks about it. देखो हर एक कलीसिया यीशु के चरणों में बैठने के बारे में बोलती है. You know how people sit at the feet of Jesus? और पता है लोग कैसे जो है यीशु के चरणों में बैठते हैं? Taking song book. गीत के पुस्तक लेके बैठते हैं. பாட்டு புக் எடுத்துக்கினு பாட்டா பாடினே இருப்பாங்க. और संगीत की किताब लेकर जो है गीत गाते रहते हैं. ஆண்டவரோட பாதத்துல உட்கார்றாங்களாம். परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं. सिंगिंग सॉन्ग. दे थिंक दैट दे आर सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस. वो गीत गाने के द्वारा सोचते हैं कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए. यू नो व्हाट दे विल डू? आई विल टेल यू. और मैं बताता हूं वो क्या करते हैं. सिंगिंग सॉन्ग्स. गीत गाते हैं. பாட்டு புக் எடுத்து பாட்டா பாடிட்டே இருக்குது. गीत की पुस्तक लेकर गीत गाते रहते हैं. देन आफ्टर दैट स्टार्टेड प्रेइंग. फिर उसके बाद जो है प्रार्थना शुरू करते हैं. आई डोंट नो व्हाट दे विल प्रे. प्रे फॉर नेशन. प्रे फॉर देमसेल्फ. प्रे प्रे प्रे. और पता नहीं वो प्रार्थना में क्या करते हैं. खुद के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, 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 प्रार्थना करते रहते. And they'll be keep on speaking in tongues. और फिर अन्य भाषा बोलते रहते हैं. Two hours, three hours, keep on talking in the tongues again and again, again, again. दो तीन घंटे लगातार अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा में बोलते रहते. I am not against singing songs. I am not against prayer. I am not against speaking in tongues. देखो ना तो मैं गीतों के खिलाफ हूँ, ना तो मैं प्रार्थना के खिलाफ हूँ, ना तो मैं जो है अन्य भाषा के खिलाफ हूँ.
இதுக்கெல்லாம் நான் எதிர் கிடையாது இஸ்கே சப் மை खिलाफ நஹி ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ லேக்கின் மை ஆப்சே கஹனா சாதா ஹூ யூ கீப் ஆன் யூ நோ டாக்கிங் சிங்கிங் டாக்கிங் ஆல் தி டைம் யுவர் மவுத் இஸ் ஓபன் देखो जब आप गीत गाते हो अन्य भाषा बोलते हो प्रार्थना करते हो आप लगातार आप बोलते रहते हो बोलते रहते हो बोलते रहते हो But you want to learn to practice his presence? लेकिन क्या आप उनकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हो Simplest thing सरल सी बात है You can do it आप वो कर भी सकते हो But it's very difficult to do it लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है वाय तरकाम अमेदिया रखना मुंह खोले बिना शांत बैठना है Be still And know that I am God. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। वाय तरकाम में आंडोड़े प्रश्न अत्ला हमें ये दला रखना। मुंह खोले बिना परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहना। मुड़िया मुड़िया दिन आरे पराल है। बिल्कुल होगा ही नहीं बहुत सारे लोगों से। तुम आदु वादा दाद। अब दिया ना आड़ी डाल रहे कौन थे? चुपचाप रहेंगे आवाज बाहर नहीं आएगी लेकिन होठ तो भी जो है हिलते रहेंगे। ना इधर चनंगले चर्चले पात्र कम पातंगले और मैंने देखो कलीसिया में देखा है I have seen, you know, many times. और मैंने कई बार देखा है The worship leader will tell, sing, sing, don't keep quiet, sing, sing, abdinwar. आराधना का लीडर जो है बोलता रहेगा कि चुप मत रहो गाओ 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 Some people will be very silent. कुछ लोग बहुत साइलेंट रहेंगे That time only they will meditate. और उस समय में ही वो ध्यान करेंगे Lot of reverence, they'll be like this. और बहुत सारे रेवरेंस जो है ऐसे ही जो शांत खड़े रहते हैं ரொம்ப பக்தியா வாய திறக்க மாட்டாங்க इतनी भक्ति में रहते हैं कि मुंह ही नहीं खोलते பாவ கஷ்டப்பட்டு பாடுங்க பாடுங்க பாடுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் பாவ பிரதர் बड़ा कष्ट उठाकर बोलेंगे कि गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ ஒரு சில ஆட்கள் இருக்காங்க लेकिन कुछ लोग होते हैं அப்படியே அமைதியா நின்னு எல்லாரையும் பார்ப்பாங்க वो शांत रह के सबको देखते रहेंगे हिंदी பாட்டு பாடுவோம் हिंदी गीत गाएंगे हिंदीयों தெரியாது பாட மாட்டாங்க चलो हिंदी मालूम नहीं है नहीं गाते हैं எல்லாரும் பாடுறாங்களான்னு செக் பண்ணுவாங்க சூப்பர்வைசர் வேலை பண்ணுவாங்க लेकिन सुपरवाइजर का काम करेंगे कि सब गा रहे हैं क्या வாய் சைலண்டா இருக்காதீங்க பாடுங்க பாடுங்க வாய் திறங்கன்னு சொல்வாரு चुप मत रहो मुंह खोलो गाओ 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 बोलेंगे எல்லாரும் வாய் திறக்குறாங்களான்னு பார்த்து நிப்பாங்க सभी लोग मुंह खोल रहे हैं क्या देखते रहेंगे சில டைம்ல நான் சொல்வேன் कभी-कभी मैं बोलता हूं இப்ப யாரு வாய் அசைக்காதீங்க சைலண்டா இருங்கன்னு आप कोई भी मुंह ना खोले चुप रहो There are times I'll tell them you know don't open your mouth don't say anything just be silent कभी-कभी मैं बोलता हूं मुंह मत खोलो कुछ मत बोलो मुंह बंद रख के शांत रहो அந்த டைம்ல சில ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க उस समय में कुछ स्वर्गदूत होते हैं देखो அப்படியே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க जैसे पास कर रहे थे आप सभी ने देखा ऐसे मुंह खोले आंख खोले बिना ऐसे 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 அமைதியா இருங்கனா அமைதியா இருக்க மாட்டாங்க வாய் திறங்கனா வாய் திறக்க மாட்டாங்க चुप रहो बोलेंगे तब चुप नहीं रहेंगे जब मुंह खोलो भाई कुछ करो बोलेंगे तब मुंह नहीं खोलेंगे If you really want to practice his presence you must learn to be in silence यदि आप सच में उनकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हो तो आपको चुपचाप रहना होगा Immature people will be always opening their mouth और गैर से आने लोग ही जो है हमेशा अपना मुंह खोलते रहेंगे Mature people with being in silence they will enjoy his presence और जो सियाने लोग होते हैं वो चुप रहते हैं और उनकी उपस्थिति का आनंद उठाते the day you come to a place where without opening your mouth you can be in god's presence for more than 20 minutes you started to grow spiritually जिस दिन आप 20 मिनट तक मुंह खोले बिना चुपचाप उनकी उपस्थिति में रहना कम से कम 20 मिनट सीख गए उस दिन से आप जो है आत्मिक उन्नति शुरू कर दिए द मोर यू ग्रो स्पिरिचुअली यू विल नो द पावर ऑफ साइलेंस और जितना आप आत्मिक रीति में बढ़ते जाओगे उतना आप जो है खामोशी की शांत रहने की जो है कला को समझ जाओगे द मोर यू स्पेंड टाइम इन साइलेंस द मोर गॉड कैन पोर आउट हिज हार्ट टू यू आप जितना ज्यादा समय शांत रहोगे उतना परमेश्वर तुम्हारे ऊपर उंडे See, you're all silent and I'm talking to you. देखो अभी आप चुप बैठे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ. You're listening to me. आप सुन रहे हो. If you start talking, then I'll be silent. लेकिन यदि आप बोलने लग जाओगे, तो मैं चुप हो जाना पड़ेगा. You see, if you learn to be silent in God's presence, God will pour out His heart. He will open His heart and reveal all the plans and purpose to you.
लेकिन देखो यदि आप चुप हो जाना सीख जाओगे तो परमेश्वर जो है अपना हृदय तुम्हारे पर उंडेलेगा, अपनी बातें तुमको प्रकट करेगा. Where is the rest? कहाँ है विश्राम? Bible tells in his presence. Bible कहती है उनकी उपस्थिति में. God told Moses, my presence will go before you and I will give you rest. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे चलेगी और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. So worry, you know, this worry and the rest will not go together. देखो ये चिंता और ये विश्राम एक साथ नहीं जा सकते. The day you learn to sit in silence in God's presence, you can experience His presence. With His presence, you will also experience the rest. और जिस दिन आप चुप रहकर उनके चरणों में शांत बैठना सीख जाओगे, आप उस दिन उनकी उपस्थिति को महसूस करोगे और उनके विश्राम में चलोगे. Your heart, you know, is in rest. आपका हृदय विश्राम में होगा. You know, in the midst of the problem, if you learn to focus on God. आप समस्याओं के बीच में भी जो है उनके ऊपर जो है ध्यान देना सीखोगे. In book of Isaiah, इशाया की पुस्तक chapter 26 verse 3, Bible tells us, 26वें अध्याय के जो है तीसरे वचन में कहा गया है, You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. और जिसका मन तुझ पे धीरज धरे हुए तू उन्हें सिद्ध शांति में लिए चलता है. उमे नोकि अमरंदिरुक्रनोडे हृदयत्तै कडल वंदु पूर्ण समाधानत्तिले वैपारा. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए तुझ पे विश्वास रखे हुए उसकी तू पूर्ण शांति से धीरज रक्षा करता है. आई एम टेलिंग इन दिस टाइम इन दिस इवनिंग गॉड इज टॉकिंग टू यू पर्सनली राइट नाउ. देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के दिन इस शाम के समय परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तौर पर बातें कर रहा है. इफ यू आर ट्रबल्ड एंड वरीड अबाउट मेनी थिंग्स प्लीज डोंट मिस दिस मैसेज. यदि आप बहुत सी बातों को लेकर परेशान हो तंग हो तो इस संदेश को आप मिस ना करें. This is what the word says. क्योंकि यही तो वचन कहता है. You will, God will keep us in perfect peace when our mind is stayed on Him. जब हमारा मन उन पर लगा रहेगा, परमेश्वर हमें पूर्ण शांति में लिए चलेगा. You may have 10 problems. हो सकता है आपको 100 समस्याएं हो. Oh, I don't know what I'm going to do. By doing that, you know, you're not going to come out of your problem. देखो आपको होंगी समस्या, आप बेचैन होंगे और कहेंगे अरे रे क्या करूं समझ नहीं आ रहा, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है. ऐसे करने से आप कुछ नहीं कर पाओगे. Running everywhere with anxiety, I don't know what to do. You're not going to solve your problems. यहां वहां भागेंगे क्या करूं समझ नहीं आ रहा है. आप अपनी समस्या से बाहर नहीं आ पाएंगे. All you have to do is just focus your mind on God. आपको बस एक ही काम करना है कि अपना मन यीशु पर परमेश्वर पे लगाना है. I'm not going to think about anything. मैं किसी बात के बारे में नहीं सोचूंगा. I'm not going to think about this finance. ना तो मैं इन पैसों के बारे में सोचूंगा. I'm not going to think about my children's issues. ना तो मेरे बच्चों की चिंता करूंगा. I'm not going to think about this health issues. ना तो मेरी सेहत की चिंता करूंगा. I'm not going to worry about anything. मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा. I'm going to enjoy the God's presence and my mind is upon God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लूंगा और मेरा मन मैं प्रभु पे लगाऊंगा. The greatest decision you have to take today is that you should keep your mind upon God. आज एक बहुत बड़ा फैसला आपको लेना है कि मेरा मन मैं प्रभु पे लगाए रखूंगा. மனசு கடவுள் மேல மட்டும் தான் வைக்கணும், வேற எது மேலயும் வைக்க கூடாதுன்ற பெரிய தீர்மானத்தை நீங்க இங்க எடுக்கணும். आज आप एक बहुत बड़ा फैसला लेना है कि मेरा मन मैं किसी बात पर नहीं सिर्फ परमेश्वर पर लगाऊंगा. See, this is what the verse says. देखो यही वचन कहता है. God is saying. परमेश्वर कहता है. If you keep your mind upon me, यदि तुम अपना मन मुझ पर लगाओगे, and I will keep you in peace. तो मैं तुम्हें शांति में लिए चलूंगा. You may have 10 problems, you may have 100 problems. हो सकता है आपको 100 समस्याएं होंगी. You know, by thinking, I don't know what to do about this. By thinking about every problem, you're going to become restless. आप अगर सोचेंगे इस समस्या का मैं क्या करूं, समस्या का मैं क्या करूं, अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आप जो है हमेशा परेशानी में ही रहोगे. If you are in problem today, यदि आज आप समस्या में हो, If you are in serious problem today, यदि आप सच में एक बड़ी समस्या में हो, You know what you have to do? पता है आपको क्या कर रहा है? Just focus your mind upon God. बस अपना मन जो है परमेश्वर पर ध्यान लगाओ. God is telling you. परमेश्वर आपसे कह रहा है. If you keep your mind upon me, यदि आप अपना मन मुझ पर लगाओगे, I will keep you in perfect peace. मैं तुम्हें सिद्ध शांति में लिए चलूंगा. You want to have a perfect peace in your life? क्या आपके अंदर वो संपूर्ण सिद्ध शांति है? You don't need to go anywhere. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. You don't need to spend any money. आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं. Wherever you are, जहां कहीं आप हो, just fix your mind upon God. बस
आप अपना दिल दिमाग प्रभु पे लगाओ. आई एम ओनली गोइंग टू थिंक अबाउट गॉड, मेडिटेट अबाउट गॉड ऑल द टाइम. मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही पर ही अपना मन लगाऊंगा, ध्यान क्या करूंगा. हालेलुया, हालेलुया. एंड व्हेन यू डू दैट, मैं वो कर, और जब आप करोगे, गॉड इज टेलिंग अस, परमेश्वर हमसे कहता है, व्हेन यू कीप योर माइंड अपॉन मी, जब तुम अपना मन प्रभु मुझ पर लगाओगे, आई विल कीप यू इन परफेक्ट पीस, मैं तुम्हें जो है संपूर्ण शांति में लिए चलूंगा. परफेक्ट पीस मीन्स रेस्ट, सिद्ध शांति मतलब ही विश्राम. पीस एंड द रेस्ट बोथ आर यू नो सिनोनिम्स. और देखो शांति और विश्राम दोनों एक ही शब्द है. You understand? समझ आ रहा है? If you are in peace, if you are in rest, both are same. अगर आप शांति में हो, यदि आप विश्राम में हो, दोनों एक ही बात है. Pastor, in my life, no rest, pastor. पास्टर, मेरे जीवन में विश्राम ही नहीं है पास्टर. My life is full of worries. मेरा जीवन पूरी चिंताओं से. My life is full of tensions. मेरा जीवन पूरा टेंशन से भरा. I am frustrated. I am fed up. मैं तंग आ चुका हूँ. I'm living in stress. I am living in anxiety. मैं तनाव में, चिंताओं में जिंदगी बिता रहा हूँ. If you think like that, यदि अगर आप ऐसा सोचते हो, right now God is telling you only to do one thing. तो परमेश्वर आपसे बस अभी एक ही बात करने को कह रहा है. That you keep your mind upon me. कि आप अपना मन मुझ पर लगाओ. God is telling you and challenging you right now. परमेश्वर आपसे कह रहा है, चुनौती दे रहा है. You keep your mind upon me. यदि तुम अपना मन मुझ पर लगाओगे, I will solve all your problems and keep you in perfect peace. मैं तुम्हें तुम्हारी सारी चिंताओं से मुक्त करूंगा और संपूर्ण शांति में लिए चलूंगा. Hallelujah. Hallelujah. God is telling, I will solve all your problems. परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं सुलझाऊंगा. While you are thinking about me, I am going to solve one after the another. तुम जब मेरे बारे में खाली सोचते रहोगे, तो बस मैं तुम्हारी समस्या एक के बाद सुलझाऊंगा. There are people who will think like this. ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं. I want to spend time in his presence, pastor. पास्टर, मैं उनकी परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना चाहता हूं. But first, no, let all these problems solve. Then only, no, I can sit in his presence. पहले सारी समस्याएं तो सुलझ जाने दो, तभी तो मैं सुकून से बैठ पाऊंगा. But I want to tell you. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं. Actually, it works in the opposite way. असल में ये उल्टा काम करता है. First, you sit in his presence, then only all the problem will solve. पहले आप उनकी उपस्थिति में शांत और चुप बैठो, समस्याएं फिर अपने आप सुलझने लगेगी. இந்த பிரச்சனை எல்லாம் கொஞ்சம் சரியாயிச்சுனா பாஸ்டர், அதுக்கு அப்புறமா நான் நிம்மதியா ஆண்டவர் சமூகத்துல உட்காருவேன். லோ क्या बोलते हैं பாஸ்டர், ये सारी समस्याएं पहले सब सुलझ जाए, फिर मैं सुकून से परमेश्वर के चरणों में बैठूंगा. இதுதான் டென்ஷன் பாஸ்டர், यही चिंता है பாஸ்டர். ஜெபம் பண்ணுங்க, प्रार्थना करो. இது மட்டும் சரியாயிச்சுனா ये बस ठीक हो जाए तो அப்படியே ஆண்டவருக்காக உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன். बस ऐसे ही परमेश्वर के लिए बैठा रहूंगा. ஆனா அப்படிலாம் வேலைக்கு ஆகாது அது. लेकिन ऐसा सब नहीं कि चलेगा. சரியாயிட்ட பிறகு உட்காரலாம். सब ठीक होने के बाद बैठेंगे. இப்போ நிறைய வேலை இருக்குதே எனக்கு. अभी बहुत सारा काम है मुझे. அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. ये सब काम पे नहीं आएगा. நீங்க உட்கார்ந்தீங்கனா தான் சரியாகும். आप बैठोगे तो ही ठीक होगा. If you sit in his presence, then only the problem will solve. यदि आप उनके उपस्थिति में बैठोगे तो ही समस्या सुलझेगी. Right now God is calling us. इस समय प्रभु हमें बुला रहा है. To enter into his rest. कि हम उनके विश्राम में प्रवेश करें. You understand? समझ आ रहा है? Every one of you. आप में से हर एक जन. None of you here by accident. यूं ही कोई यहाँ नहीं आ गया. ये तो यूं को कुप्तांग आऊँगा कुप्तांग नाला वंटन नहीं कह देंगे. हाँ, उन्होंने बुलाया इसलिए आ गए, ऐसा मत सोचो. You have chosen to listen to this message. आप चुने गए हो ये संदेश सुनने के लिए. God has brought you today to tell you that He want to give you rest. परमेश्वर ने आज आपको यहाँ बुलाया है ये कहने के लिए कि वो तुम्हें विश्राम देना चाहता है. Children of Israel were struggling in their life for so many years. बच्चे जो है चिंताओं में, कई जिंदगी में परेशानी में बिता रहे. But you know what God wants to give it to them? लेकिन पता है परमेश्वर ने क्या देना चाहता है? Number one, what God wants to give to children of Israel is rest. और इज़राइल के बच्चों को सबसे पहला परमेश्वर उन्हें विश्राम देना चाहता. But Bible tells us. लेकिन बाइबल कहती हमसे. They did not enter into rest because of their unbelief. लेकिन वो लोग विश्राम में प्रवेश ना कर पाए क्योंकि उनके अविश्वास की वजह से. ஆண்டவர் வந்து அவங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கொடுக்கணும்னு நினைச்சார் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு. ஆனா அந்த இளைப்பாறுதலுக்குள்ள அவங்க பிரவேசிக்கவே இல்லை, ஏன்னா அவங்களோட அவிசுவாசத்தினால. परमेश्वर ने इजरायली लोगों को चाहा कि वो विश्राम में प्रवेश करे, लेकिन इजरायली लोग अपने अविश्वास के कारण वो उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए. Listen to me, it's very simple. देखो मुझे ध्यान से सुने, बहुत Today, by listening to this word, आज इस वचनों को सुनने के द्वारा, if you focus on God, यदि आप परमेश्वर पे ध्यान लगाओगे, if you focus on practicing his presence, यदि आप उनकी उपस्थिति का जो है अनुभव करने लगोगे, you will have rest. आपको विश्राम मिले. But if you are thinking, no, I have a problem. Let me try to solve this. आप बोलोगे नहीं, मुझे समस्या है, इसको पहले मैं सुलझाऊं. You know, I have to worry about this. नहीं, मुझे इस बात की चिंता तो होगी. You know, worry has become an habit. देखो, चिंता करना एक आदत बन गई. Worry is an addiction. और चिंता एक लत बन गई. चले तो ला कावल पट्टे
பழக்கமாயிச்சு कुछ लोगों को चिंता करके करके आदत सी पड़ गई अब ये कावले पट्टे हैं उनके अपना टाइम पास आ गया ऐसे चिंता करने के बाद ही उनको लगता है कि हाँ टाइम पास हुआ सीलर ला वाड़ के लिए संतोष मावे इरुक मटांगे कुछ लोग जिंदगी में खुश रहते ही नहीं है यदा संतोष मा नडंदा कूड़ा सुडुमुंज मारिए तितिनु पा कुछ खुशी की घटना घटी तो भी जो है चिड़चिड़ा मुंह रख के ही बैठे ना रोम्ब टाइम सोल्ली इरुक्रे मैंने कई बार कहा है एसिड ऊतन मूंज கூட ஆண்டவருக்கு பிடிக்காதா சுடு மூஞ்சி பிடிக்கவே பிடிக்காது और एसिड फेंकावा छिड़कावा चेहरा कैसा दिखता है वो तो भी प्रभु को पसंद आएगा लेकिन ये जो खड़ूस लोगों का चेहरा होता है ना जिसके चेहरे पे हंसी नहीं रहती वो पसंद नहीं உலகத்துல ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத மூஞ்சி சுடு மூஞ்சி தான் நான் சொல்றேன் और परमेश्वर को जो चेहरा पसंद नहीं है वो है ये खड़ूस चेहरा நெருப்புல தலைய விட்டு வெந்து வந்தீங்கனா கூட பிடிக்கும் और जो है आग से अगर चेहरा जला हुआ मुरझा हुआ चेहरा आएगा तो भी वो पसंद करेगा இருட்டல நின்னா நீங்க அடையாளமே தெரிய மாட்டீங்களா அப்ப கூட ஆண்டவருக்கு உங்களை பிடிக்கும் अंधेरे में शायद तुम्हारा चेहरा नजर ना आए फिर भी वो तुम्हें पसंद करेगा யாருக்கும் தெரியாத சீக்ரெட் அந்த சர்ச்சிலே சொல்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் சூடு மூஞ்சி மட்டும் பிடிக்காது ஞாபகம் வச்சீங்க लेकिन ये रहस्य किसी चर्च में नहीं बताया जाता है मैं तुमको बताता हूं परमेश्वर को कौन सा चेहरा पसंद नहीं है ये खड़ूस चेहरा जो हंसता ही नहीं है कभी भी देखो जो चिड़चिड़ा चेहरा रहता है वो पसंद नहीं है न्यू वर्ड इज इन्वेंटेड इन हिंदी डिक्शनरी एट टुडे हिंदी डिक्शनरी में जो है ये नया शब्द जो है आकर ये बना है सम पीपल विल बी नेवर बी हैप्पी और कुछ लोग कभी खुश नहीं होते दे लव वरिंग और उनको चिंता करना पसंद है दे लव कीप ऑन गोइंग एंड टेलिंग एवरीवन आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स उनको जाके सबको बोलते रहना पसंद आता है मुझे कितनी परेशानी पता है मुझे कितनी परेशानी डोंट गो एनीवेयर कहीं मत जाओ जस्ट सिट इन योर हाउस बस अपने घर में बैठे रहो यू नो ऑल यू हैव टू फोकस ऑन गॉड एंड एंजॉय हिज पीस इन योर लाइफ बस आपको अपने घर में बैठ के परमेश्वर की उपस्थिति का और शांति का आनंद लेना है यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस हिज माइंड इज स्टेड ऑन दी और जिसका मन यीशु पे परमेश्वर पे धरे हुए है उसको वो जो संपूर्ण शांति देता है वी शुड लर्न टू फोकस ऑन गॉड टू लिव इन रेस्ट आपको जो है परमेश्वर पे ध्यान देना सीखना होगा विश्राम में जीने के लिए हालेलुया हालेलुया ऑल यू हैव टू डू इज फोकस ऑन हिम आपको बस यही करना है कि उन पर ध्यान देना आई विल टेल यू मोर प्रैक्टिकल वे और मैं बहुत ही व्यवहारिक तौर पे बताता हूं बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ अपने आप पर जो है आप ध्यान दो लाइक व्हेन यू कम टू नो दैट यू आर वरिंग जब आपको पता चलता है कि मैं चिंता कर रहा हूं इमीडिएटली मेक अ चेंज झट से एक बदलाव लाओ ओह आई एम वरिंग दैट मींस आई एम फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम मैं चिंता कर रहा हूं इसका मतलब मैं जो है समस्याओं पे ध्यान दे रहा हूं நீங்க கவலை படுறீங்கன்னு தெரிஞ்சினா உங்களையே புடிங்க आप चिंता कर रहे हो आपको पता चला तो अपने आप को देख लो நான் கவலை படுறேன் அப்படினா அப்ப பிரச்சனை மேல யோசி பிரச்சனை பத்தி யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் मैं चिंता कर रहा हूं इसका मतलब मैं समस्या के बारे में सोच रहा हूं नो आई डोंट नीड टू वरी नहीं नहीं मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं உங்க மைண்ட ஆண்டவர் மேல கொண்டு வாங்க और झट से अपना मन जो है प्रभु पे लगाओ इमीडिएटली यू नो शिफ्ट ब्रिंग फोकस अपॉन गॉड झट से जो है अपना मन प्रभु पे लगाओ एवरी टाइम यू कैच योरसेल्फ वरीइंग जस्ट ब्रिंग अ शिफ्ट इन योर माइंड जब जब आपको लगे कि मैं चिंता में जा रहा हूं फटाक से अपना दिमाग बदल दो एंड फोकस अपॉन हिम और परमेश्वर पे ध्यान लगाओ एज यू आर गोइंग टू फोकस अपॉन हिम और जैसे जैसे आप प्रभु पे ध्यान लगाओगे ही इज गोइंग टू गिव यू रेस्ट वो आपको विश्राम देगा सो यू डोंट नीड टू रन अराउंड एवरीवेयर आई डोंट नो व्हाट टू डू आई हैव सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स तो आपको यहां वहां दौड़ने की जरूरत नहीं कि मुझे इतनी समस्या है मैं क्या करूं इफ यू आर रियली आस्किंग दिस क्वेश्चन आई डोंट नो व्हाट टू डू अगर आप सच में पूछते कि मुझे पता नहीं मैं क्या करूं आई एम टेलिंग यू टुडे मैं आज आपको जवाब देता हूं एज यू आर गोइंग टू फोकस ऑन हिम ही इज गोइंग टू गिव यू रेस्ट जैसे आप प्रभु पे ध्यान देने लगोगे वो आपको विश्राम देगा यू नो ब्रिंग योर फोकस ब्रिंग योर माइंड ब्रिंग योर थॉट्स एवरीथिंग अपॉन गॉड आपका दिल दिमाग ध्यान सब प्रभु पे लगाओ रीड आइसया चैप्टर 26 वर्स 3 और यशायाह 26:3 पढ़ें एंड यू नो ही विल कीप अस इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन दी जिसका मन परमेश्वर पे भरोसा रखता है उसे वो जो संपूर्ण शांति देता है एंड आई एम टेलिंग यू यू नो यू विल हैव अ रेस्ट इन हिज प्रेजेंस और मैं आपसे कहना चाहता हूं उनकी उपस्थिति में आपको विश्राम मिलेगा इन द मिडस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स आपकी समस्याओं के बीच में इफ यू फोकस अपॉन गॉड यू कैन रेस्ट इन द मिडस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स अगर आप परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाओगे तो आप समस्याओं के बीच में भी विश्राम पाओ जीसस वाज यू नो स्लीपिंग इन द मिडस्ट ऑफ द स्टॉर्म देखो यीशु मसीह जो है तूफान के बीच में भी आराम कर रहे थे दैट इज द ग्रेटेस्ट
you know, picture for the rest and peace. और जो है विश्राम और शांति का सबसे अच्छा दृश्य है. ஏகப்பட்ட பிரச்சனை மத்தியிலும் நிம்மதியா சாப்பிட்டு நிம்மதியா தூங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். और कई सारी समस्याओं के बीच में भी सुकून से खाना है और सुकून से सोना है. हालेलुया. हालेलुया. So today this is what God wants to tell you. तो आज यही परमेश्वर आपसे कहना चाहता है. I'm going to give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. எல்லாரும் சொல்லுங்க. सभी लोग कहें. உங்க மேல கை வச்சு சொல்லுங்க. अपने पर हाथ रख कर கொஞ்சம் உங்களே லவ் பண்ணுங்க. थोड़ा अपने आप से अपने आप को प्रेम करें. உங்களே நேசிங்க. अपने आप को प्यार करें. ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறாரு. परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं. God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं. And many time you know we don't really value, we don't even love ourselves. और कई बार हम अपने आप को जो है अनमोल नहीं समझते हैं. Today, अपने आप को प्यार नहीं करते. Today I want you to feel good about yourself. आज मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करें. I want you to feel good that you know God wants to give you rest. मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें कि परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहते हैं. ஆண்டவர் எனக்கு இளைப்பாறுதல் தர போறார். परमेश्वर मुझे विश्राम देना चाहते हैं. I am going to have rest in my life. मुझे विश्राम मिलेगा मेरे जीवन. You know I want to talk to yourself right now. और मैं जो है इस समय आपसे बात करना. Everybody close your eyes. सभी लोग जो है अपनी आंखें बंद करें. We are finished. हम अभी समाप्त करने वाले. I want to talk to yourself right now. मैं आपसे अभी इस समय कहना चाहता हूं. क्लोज योर आईज एंड कीप ऑन हैंड्स इन योर चेस्ट. अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथों को अपने सीने पर रखें. टॉक टू योरसेल्फ. और अपने आप से कहें, प्रेज गॉड. प्रभु की स्तुति हो. गॉड हैज ब्रॉट मी हियर. परमेश्वर ने मुझे यहाँ लेकर आए. टू लिसन टू दिस मैसेज. ये संदेश सुनने के लिए. एंड ही वांट्स टू गिव मी रेस्ट. और वो मुझे विश्राम देना चाहता है. Because he's seen my struggles. क्योंकि वो मेरी तकलीफों को देख रहा है. He's seen my tears. वो मेरी आंसुओं को देख रहा है. He's seen my fears. और वो मेरे डर को देख रहा है. He's seen my stress. उसने मेरे तनाव को देखा है. He's seen my worries. उसने मेरी चिंताओं को देखा है. Now God wants to give me rest. और परमेश्वर मुझे विश्राम देना चाहता है. Therefore. इसलिए I believe God. मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ. I believe God. मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ. I'm going to focus on him. और मैं उन पर ध्यान करना चाहता हूँ. I'm going to depend on him. मैं उन पर निर्भर रहना चाहता हूँ. I'm going to trust him. मैं उस पे विश्वास करता हूँ. He is my refuge. वो मेरा शरण स्थान है. He is my fortress. वो ही मेरा शरण स्थान है. He is my strength. वो मेरा बल है. He is my joy. वो मेरा आनंद है. Hallelujah. Hallelujah. He is my refuge. वो ही मेरा शरण स्थान है. He is my fortress. वही मेरा गढ़ है. He is my strength. वो मेरा बल है. He is my joy. वो मेरा आनंद है. I'm going to focus on him. मैं उसी पर ध्यान करूंगा. I refuse to worry. मैं चिंता करने से इनकार करता हूँ. Name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. I refuse to worry. मैं चिंता करने से इनकार करता हूँ. Talk to your heart. अपने हृदय से बातें करें. Say don't worry. कहे हे मेरे मन चिंता मत कर. God is on your side. परमेश्वर तेरी ओर है. Talk to yourself right now. अपने आप से कहें. If you are in problem, talk to yourself. यदि आप समस्याओं में हो तो कहें. Encourage yourself. अपने आप को हिम्मत दें. Tell to your soul, don't worry. अपने आत्मा से कहें. You know, चिंता मत कर. This is not a new stuff. Psalmist David used to talk to his own soul. देखो ये कोई नई बात नहीं है. भजन करता दाऊद जो है अपनी आत्मा से कहता था. संगीतकार दाऊद तन्नी एनकरेज பண்ணிக்குவார். और भजन करता दाऊद जो है अपने आप को हिम्मत दिया करता था. आत्मावे ஏன் கலங்குகிறாய். हे मेरे मन तू क्यों बेचैन है. You see, talk to yourself. देखो अपने आप से बातें करें. Why you worrying? क्यों तुम चिंता कर रहे हो. Don't worry. चिंता मत कर. ஏன் கவலைப்படுற. क्यों मेरे मन चिंता कर रहा है. கடவுள் பாத்துக்குவார். सब परमेश्वर देख ले. நான் பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் கடவுளதான். और मैं बस प्रभु तुझे ही को देखूंगा. என் பிரச்சனை எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். मेरी सारी समस्या मेरे प्रभु को पता है. என் பிரச்சனை எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ண அவர் கெபாசிட்டி இருக்கு. मेरी समस्याओं को सुलझाने का क्षमता मेरे प्रभु में है. He will take care of it. वो संभाल लेंगे. Hallelujah. 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 So next time when you are worrying, catch yourself. और अगली बार जब आपको कोई चिंता आए तो अपने आप को देखें. Let's pray now. आइए अब हम प्रार्थना करें. Father in the name of Jesus we come before you Lord. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके समक्ष. Thank you Lord for my wonderful brothers and sisters. धन्यवाद मेरे प्रिय भाई और बहनों के लिए. Over in this place and over watching in YouTube. और जो लोग यहाँ पर हैं और जो लोग YouTube देख रहे हैं. Wherever they are you will touch them oh Father. जहाँ कहीं वो है प्रभु आप उन्हें स्पर्श करें. Father I pray Lord you will give them rest. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें विश्राम दें. Lord I know that Lord their heart is troubled by many things. मुझे पता है प्रभु उनके हृदय कई बातों को लेकर विचलित है.
The heart is troubled by many things. उनका हृदय कई बातों को लेकर विचलित है. You are worried and troubled about many things. आप चिंता कर रहे हो, कई बातों की परेशानी में हो. Only one thing is needful. लेकिन एक ही एक बात की आवश्यकता है. Only one thing is needful. एक ही बात की आवश्यकता है. நீங்க என்ன வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் எங்க போயிட்டு ஆண்டவரே நினைச்சிட்டே இருங்க. आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, प्रभु को ही याद करो. Just keep on thinking about God. बस प्रभु की ओर ध्यान करते रहो. Believe that he is with you. विश्वास करें कि वो तुम्हारे साथ है. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Lord, we receive the rest which you want to give to us. प्रभु, हम उस विश्राम को ग्रहण करते हैं जो आप हमें देना चाहते हैं. I refuse to worry. मैं चिंता करने से इनकार करता हूं. I refuse to fear. मैं डरने से इनकार करता हूं. I refuse to focus on my problems. मेरी समस्याओं पर ध्यान देने से मैं इनकार करता हूं. I focus on you. मैं सिर्फ आप पर ध्यान लगाऊंगा. Looking unto Jesus, who's the author and the finisher of my faith. उस यीशु की ओर जो मेरे विश्वास का कर्ता धरता है, उसी पर मैं ध्यान दूंगा. Father, I pray for every single person in this place. प्रभु, मैं यहाँ पर आया हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ. Strengthen them, O Father. उन्हें बल दे प्रभु. Deliver them from all kinds of fears. और उन्हें हर प्रकार के जो है चिंता से मुक्त कर. Let the joy of the Lord come upon them. होने दे कि परमेश्वर का आनंद उनके ऊपर आए. Lead them and guide them, O Father. और परमेश्वर तू उनकी अगुवाई कर और मार्गदर्शन कर. In Jesus name, O Father. यीशु के नाम से पिता. In Jesus name. यीशु के नाम. Lead every single person. और एक जन की तो अगुवाई कर. I pray, Lord, let the spirit of wisdom and the spirit of might come upon them. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो ये सामर्थ्य का आत्मा उनके पर आए. I rebuke every form of sickness. हर एक बीमारी को मैं धमकाता हूँ. If you are sick right now, I want you to believe God for healing right now. अगर यदि आप बीमार हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस समय आप चंगाई के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ. In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम से. I rebuke every sickness. मैं हर एक बीमारी को जो है धमकाता हूँ. Be healed in the name of Jesus. चंगे हो जाओ यीशु के नाम से. Every organ in your body be healed in Jesus. हर एक जो है अंग आपका शरीर का चंगा हो जाए. From head to toe, I speak healing into your body right now. सर से लेके पांव तक मैं चंगाई बोलता हूँ यीशु के नाम. I command every sickness and weakness to go in Jesus' name. हर एक बीमारी और कमजोरी यीशु के नाम से निकल कर जाए. I speak life into your body right now. इस समय मैं विजीवन बोलता हूँ यीशु के नाम. I speak the life of God be in your body right now. और इस समय मैं परमेश्वर का जीवन आपके शरीर में बोलता हूँ. Be healed in the name of Jesus. चंगे हो जाओ यीशु के नाम से. I speak for finances. मैं आर्थिकता के लिए प्रार्थना. Let there be finances in the name of Jesus. होने दे के पैसे इनके जीवन में आए. Let there be money in Jesus' name. यीशु के नाम से पैसे इनके जीवन में. Let money come in Jesus' name. यीशु के नाम से पैसे इनके जीवन में आए. In a miraculous way, let there be money in Jesus' name. चमत्कारी रूप से इनके जीवन में पैसे आए. God wants to tell you, your needs will be met in Jesus' name. और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी जरूरत यीशु के नाम से पूरी हो. God will provide in Jesus' name. यीशु के नाम से परमेश्वर तुम्हारी पूर्ति करेगा. Receive your finances in Jesus' name. यीशु के नाम से अपने पैसों को ग्रहण करें. I declare peace into your family life. मैं आपके पारिवारिक जीवन में शांति बोलता हूँ. In the name of Jesus. यीशु के नाम. Right now. अभी. God is giving peace into your family. परमेश्वर आपके जीवन में शांति दे रहा है. Receive peace in Jesus' name. शांति को ग्रहण करें यीशु के नाम से. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. The name of Jesus. यीशु के नाम से. Lord, I pray for every single person. प्रभु, यहाँ आया हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना. Let them know you more and more. होने दे कि वो आपको और ज्यादा ज्यादा जाने. Let them grow in your knowledge. और आपके ज्ञान में बढ़े. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. God bless you. प्रभु तुम्हें आशीष दे.